बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा चुनावी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और कौन बनेगा मुख्यमंत्री में मध्य प्रदेश के हरदा में आ गए हैं हम। दो विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ, दो विधानसभा सीटों में, एक कांग्रेस के कब्जे में, एक बीजेपी के कब्जे में। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी में बड़ा घमासान टिकटों को लेकर है। खैर, घमासान कांग्रेस के अंदर भी है, लेकिन देखिए ऐसा लगता है कि पूरा हरदा आज आ गया है प्रोग्राम के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और सबसे अच्छी बात जो बहुत कम होती है शोज में, हमारे महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार और महिलाओं के लिए जोरदार स्वागत। हरदा की हम बात करेंगे, चुनावी मुद्दे यहाँ पर क्या है, बड़ी समस्याएं क्या है, किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की, सब पर होगी बात। लेकिन क्योंकि एमपी में है हम, और आज एमपी की सबसे बड़ी चुनावी खबर आई दिल्ली से। दरअसल कांग्रेस ख्वाब देख रही है वनवास खत्म करने के और चाहती है सत्ता में वापसी। इसके लिए दिल्ली में टिकटों को लेकर माथापच्ची हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सिंधिया और दिग्विजय बंद कमरे में राहुल गांधी की मौजूदगी में अपने अपने उम्मीदवारों के चयन के टिकट के लिए आपस में भिड़ गए। स्थिति यह हो गई कि राहुल गांधी को बीच बचाव करना पड़ गया। अब इस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान से है, लेकिन बीजेपी के गढ़ को जीतने के लिए राहुल ने अपने जिन रणवीरों को मैदान में उतारा है, उनके बीच ही तलवारें खिंच गई हैं। एक तरफ ग्वालियर घराने के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो दूसरी ओर हैं राघोगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह। सूत्रों की माने तो बुधवार की रात टिकटों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच मतभेद इस हद तक सतह पर आ गए कि नौबत कहा सुनी तक आ पहुंची, और ये सब कुछ राहुल गांधी की मौजूदगी में हुआ। ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया और राघोगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह के बीच आपसी प्रतिद्वंद की कहानी बहुत पुरानी है। विश्लेषकों की माने तो यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से पिछले 15 सालों में कांग्रेस राज्य में शिवराज सिंह चौहान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की इस बार कोशिश ये थी कि दोनों राजा अपनी तलवारों को मयान में रखें, लेकिन टिकट वितरण का मुद्दा ऐसा कि ये तलवारें निकल ही आईं। चुनावी पिच पर कांग्रेस ने फ्री हिट दिया तो बीजेपी ने भी बल्ला भांजने में देर नहीं की। घमासान हो रहा है बंद कमरे के अंदर। दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी के बीच में गुत्थम गुत्थी हो रही है, हाथापाई होने की नौबत हो गई है। राहुल गांधी जी वहां मौजूद थे और लगभग दिग्विजय सिंह और सिंधिया जी के बीच में हाथापाई हो रही है। राहुल जी देखते रहे। विवाद बढ़ता देख अब कांग्रेस नेता बचाव में उतर पड़ेंगे। ये कलह भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और ये उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो इसमें कामयाब नहीं होने वाली। कांग्रेस का विजय रथ जो है वो प्रगति पथ पर चल पड़ा है और भाजपा का कुशासन अब उसे रोक नहीं पाएगा। भले ही कांग्रेस किसी विवाद से इनकार कर रही हो, लेकिन खबरें यहां तक हैं कि सिंधिया और दिग्गी राजा के बीच चल रहे तकरार को खत्म करने का जिम्मा कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को सौंप दिया है, जिसमें अहमद पटेल, अशोक गहलोत और वीरप्पा मोइली शामिल हैं। जानकारों की माने तो इस आपसी कलह से निपटने में कांग्रेस ने जरा भी देरी की तो फिर बहुत देर हो जाएगी। पहले कांग्रेस ही एक जाजम पर बैठना तो सीख ले। जब घर में खींचतान है वो खींचतान बाहर भी आती रही है, इसके पहले भी आई है और नुकसान उठाया है उन्होंने। अब इस कलह की कसौटी पर राहुल के नेतृत्व क्षमता भी परखी जाएगी। देखना होगा कि राहुल युवा जोश और अनुभव के बीच शक्ति संतुलन कैसे साधते हैं। अब राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कहीं इन दोनों राजाओं की लड़ाई में इस बार पार्टी राज्य में शहीद ना हो जाए। कैमरामैन प्रमोद गुप्ता के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो बड़ी चुनौती तो कांग्रेस के लिए इसलिए भी हो जाती है कि देखिए हरदा जिस विधानसभा क्षेत्र में मैं हूँ वहाँ केवल 2 सीटें हैं और एक पे कांग्रेस का कब्जा है और सिटिंग एमएलए मेरे साथ मौजूद है। बताइए सर, दिल्ली में, सर खड़े हो जाइए, दिल्ली में माथापच्ची चल रही है टिकटों को लेकर, बता रहे बंद कमरे में हाथापाई की नौबत आ गई है, क्या ऐसे ऐसे वनवास खत्म होगा कांग्रेस का? हाथापाई नहीं है, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र हमारे यहाँ कांग्रेस में जिंदा है। भारत में प्रजातंत्र को जिंदा कांग्रेस ने रखा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे मोनी बाबा का एक आदेश हो जाता है पूरा आदेश पालती भारतीय जनता पार्टी, और हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, हम जनता के लिए भी लड़ते हैं, हमारे आदमी के लिए भी नेता लड़ते हैं। आपसे बात होगी, नेताजी से बात होगी, लेकिन भाई हम तो यहाँ हरदा के लोगों से बात करने आए हैं, तो हरदा के लोग तैयार हैं अपने मुद्दों के साथ?
चलिए सबसे पहले महिलाओं से बात करते हैं और मैं चाहती हूँ आप खड़े हों। ये देखिए कितनी खूबसूरत महिलाएं हरदा की मेरे साथ है, बहुत ही खूबसूरत परिधान पहले तो आपने पहना है। आप ये मुझे बताइए कि महिलाएं यहाँ की एक मॉडल कॉलेज मांग रही हैं, बेहतर अच्छा, जहाँ बच्चियों को बाहर ना जाना पड़े। कितना मुश्किल है क्या देना हरदा को एक मॉडल कॉलेज? ये सरकार की गलती है, क्योंकि जब बीजेपी सरकार थी तब केंद्र में राज्य में कांग्रेस सरकार थी, और जब कांग्रेस सरकार यहाँ पर है तब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो इसी द्वंद में इन्हीं की जो माथापच्ची चलती है दोनों की, इसके चक्कर में हमारे यहाँ का विकास नहीं हो पाया है, और इसी वजह से महिलाओं के लिए यहाँ कोई कॉलेज नहीं खुल पाया है। तो हमारी यही विनती है कि आपकी जो भी द्वंद है वो चलता रहे, लेकिन हम महिलाओं की तरफ ध्यान दिया जाए और एक महिला कॉलेज खोला जाए। ठीक है, वैसे मैं बता दूं ये जो हरदा है ये गुजरात की सीमा से लगता है, इसीलिए आप देखिए बड़ी खूबसूरत परिधान में महिलाएं यहाँ आई हैं, और ये सच में प्रोग्राम को और खास बना देता है। बताइए महिलाओं के लिए मॉडल कॉलेज एक बड़ा मुद्दा है, इतना मुश्किल क्यों है? भोपाल में बैठी सरकार सुन नहीं रही है क्या आप लोगों की? ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों की गलती है, हरदा जिले को इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। हम आम जनता की कोई पुकार सुनी नहीं जा रही है। हरदा तो देश को पालता है, पंजाब के बाद देश को पालने वाला हरदा सबसे बड़ा जिला है, इतना गेहूं यहाँ होता है, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं है। मुझे तो नहीं लगता, महिलाओं के विषय में सब लोग अपनी अंधी पट्टी बांध के बैठे हैं, और इस मुद्दे को ज्यादा सीरियस लेना चाहिए, बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, इसलिए हम पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात है, महिलाएं हमारे साथ बहुत सारी हैं, इसलिए आज महिलाओं पर खूब बात करेंगे, लेकिन हमने किसानों की बात की। मैं चाहती हूँ कि आप खड़े हो। हम कह रहे हैं कि पंजाब के बाद ये जिला पालता है इस देश को, और किसान यहाँ के बड़े समृद्ध। मैंने सुना कि हर किसान के घर के बाहर गाड़ी और एसी है, लेकिन फिर भी दिक्कत ये है कि किसान को वक्त पे खाद नहीं मिल रही है, सिंचाई की ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है, मंडी में ठीक ठाक दाम नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में हरदा जिला जो टॉप हिंदुस्तान में आया तावा नहर योजना के कारण है, वो कांग्रेस ने दी है। राम मंदिर के चंदे तावा नहर योजना हमारे यहाँ नहीं आई है। आपने जो बताया दो चार, हमारी शिवराज की सरकार जब से मध्य प्रदेश में है बीजेपी की, समर्थन मूल्य पर फसल ये लोग नहीं ले पा रहे हैं, किसानों में वो खाद नहीं मिल रही है, गांव में मैडम पीने को पानी नहीं है। शिवराज के जमाने में गांव-गांव में अवैध शराब की दुकानें, हर गांव में आपको शराब की दुकान मिल जाएगी, पीने को पानी गांव वालों को। आपके गांव में अवैध शराब की दुकानें? मेरे घर के सामने लगी, खुद विरोध किया, बीजेपी के संरक्षण में चल रही हमारे घर के सामने, मेरे गाँव पलासनेर में। एक मिनट, हमारे गांव के किसानों की जो बदहाली हुई है, सबसे ज्यादा आत्महत्या यदि हुई है तो मध्य प्रदेश में हुई है, सबसे ज्यादा किसान यदि परेशान है शिवराज के शासन में, समर्थन मूल्य आप नहीं ले पा रहे हैं, भावांतर में आपने किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है। भावांतर की बात की आपने, हम चाहते हैं आप खड़े हो। भावांतर पर सरकार भोपाल में बैठ के करती है कि ये सबसे बड़ी योजना है, इसके लेकर तो हम चुनाव जीत जाएंगे। जमीन पर कितनी उतरी, आपको कितना फायदा मिला भावांतर का? भावांतर योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही शानदार योजना है, जिसके अंदर किसान को अपना जो रेट है पूरे प्रदेश स्तर की मंडियों के समकक्ष मिलता है, और ये एक सफल योजना है। क्या बात है, चलिए बोलिए। मैम कांग्रेस की सरकार में मैम 18% ब्याज पर सहकारिता के माध्यम से लोन मिलता था। आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान अगर 1,00,000 रुपए का कर्ज किसानों को देते हैं, तो उसके एवज में मात्र 90,000 रुपए किसान से वापस लेते हैं, और इसी वर्ष किसानों को विभिन्न मदों के माध्यम से बोनस हो चाहे भावांतर हो, 32,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में मुख्यमंत्री जी ने डाले हैं। अच्छा, किसानों को लेकर कोई दिक्कत, किसी के पास कोई शिकायत किसानों को लेकर? आइए किसानों को लेकर, ठीक है, हर तरह की बात हम सुनेंगे, लोग तारीफ कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर शिकायत है तो वो भी सुननी चाहिए। भावांतर योजना मनवंतर योजना है, सिर्फ किसानों को उसमें लूटा गया है, और बैंकों में करोड़ों के घोटाले हुए हैं कोऑपरेटिव बैंक में, और किसानों को कोई माल का भाव नहीं मिल रहा है, न किसानों को पैसा मिल रहा है, न नगद पैसा मिलता, आज न किसानों को खाद मिल रहा है, न बीज मिल रहा है। तो भावांतर को लेकर ये शिकायतें जमीन पर हैं, इसके अलावा यहाँ एक रेलवे ओवरब्रिज को लेकर भी एक लंबी मांग है, और मुझे लगता है बहुत छोटी मांग है। देखिए हरदा एक बहुत ही संपन्न जिला है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर कि पूरे एमपी में ये सबसे साफ जिला है, तो इसके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतने खूबसूरत गाँव, इतने साफ गाँव आपको बहुत मुश्किल से दिखाई देंगे। जी बोलिए। हरदा में रेलवे ब्रिज न होने के कारण हरदा में लंबा जाम लगा रहता है, लंबे समय से पैसा आया हुआ है, लेकिन सरकार मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की निष्कर्षता के कारण ये रेलवे ब्रिज अब तक नहीं बन पाया, और हरदा में बहुत परेशानी हो रही है। कितना मुश्किल क्यों है ब्रिज बनाना, बताइए ब्रिज बनाना इतना मुश्किल? आइए, कोई बात करने को राजी नहीं है। हाँ बोलिए। मैं किसानों के ऊपर बात करना चाहूंगा मैडम।
भावांतर, जैसे ये बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि भावांतर की डिंडोरा पूरे प्रदेश में पीटा जाता है, जगह जगह किसानों का पैसा किसानों को ही दिया जाता है। जो भावांतर लागू नहीं होता है, इसके पहले सोयाबीन 3,3200 रुपए क्विंटल बिक रही थी, भावांतर लागू होने के बाद में वही सोयाबीन 2,200-2,300-2,500 रुपए क्विंटल ऐसा ही चने के साथ हुआ। ये सही है, ये हकीकत है, ये हकीकत है मैडम, और ये हकीकत है। और राजसभा बीजेपी गवर्नमेंट ने किसानों के साथ में बहुत बड़ा छलावा किया है। राजसभा मैडम किसानों को मैडम किसानों ये भावांतर, ये भावांतर और बोनस तो लॉलीपॉप है मैडम। आज आप देखो पिछले साल जो डीएपी खाद था 1100 रुपए का था, हमें बोनस कितना मिला 200 रुपए एक क्विंटल पे, और 50 किलो पर 350 रुपए लिए। इन्होंने 800 रुपए हम पे लिए, इन्होंने एक क्विंटल पे 463 रुपए हमको दिए और 800 रुपए हमारे किसानों से लिए। डीजल 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 भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया। रेलवे ओवरब्रिज की बात कर रहे थे आप, खिड़किया कस्बे का रहने वाला हूँ, खुद मुख्यमंत्री जी जन आशीर्वाद यात्रा में 2 घंटे तक हमारे रेलवे फाटक में फंसे रहे, और जो ब्रिज का पैसा केंद्र सरकार से आ गया लेकिन राज्य सरकार अभी तक अपने पैसे रिलीज नहीं कर रहा। मामा जी को बोला नहीं कि आप रेलवे ब्रिज क्यों नहीं बना रहे, इतना मुश्किल क्यों है? मामा जी केवल वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं। मामा जी मामा बनाते हैं क्या? 21,000 घोषणाएं कर चुके, 21,000 घोषणाएं हमारे हरदा जिले में रोजगार के लिए, अभी कोई 15 साल में एक भी यूनिट नहीं खुली औद्योगिक इकाई की। ठीक है बोलिए, आप यूनिट नहीं खुली वो कह रहे हैं, कोई मिल नहीं लगती, कोई फैक्ट्री नहीं लगती, बोलिए। रेलवे ओवर ब्रिज के लिए हमारे विधायक जी ने कई बार विधानसभा में लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बाद भी आज सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है, इस कारण से वो रेलवे ओवर ब्रिज नहीं बन पाया है। सर बीजेपी के मंत्री भी यहीं से आते हैं, आप कांग्रेस बीजेपी मत कीजिए। हाँ बोलिए। बात है ओवर ब्रिज की, भिरंगी और खिड़किया में ओवर ब्रिज बन गया, हमारे बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ था, उसके बाद इतना काम किया रेलवे डिपार्टमेंट ने, और भिरंगी का भी ओवर ब्रिज सेंक्शन है, खिड़किया में और हरदा में जगह की कमी है। अच्छा, तो हमें तो हम जो जानकारी हमारे पास है, यहाँ तो खूब अवैध उत्खनन हो रहा है, क्या यहाँ अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है? क्या यहाँ अवैध कौन करा रहा है यहाँ अवैध उत्खनन? एक मिनट। हाँ मेरा अवैध उत्खनन में माँ नर्मदा को इन लोगों ने खोद दी है, बिल्कुल रेत नहीं बची है। किसने? एक नाम लीजिए। भाजपा से जुड़े ठेकेदारों से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े ठेकेदारों ने। ये बहुत बड़ी, देखिए आप नर्मदा के कोने कोने जितने इलाकों में जाएंगे, अवैध उत्खनन बहुत बड़ी समस्या है, और एक ऐसी समस्या है जिसमें इलाके के विधायकों पर सीधे इलाके के लोग आरोप लगाते हैं। हम कल जिस विधानसभा क्षेत्र में थे वहां भी ये शिकायत थी, आज भी ये शिकायत है, और ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ से मंत्री के भाई विधायक है, यहाँ से मंत्री के भाई विधायक है। बोलिए। मैं खिड़किया से हूँ, खिड़किया सबसे ज्यादा समस्या डायवर्सन शुल्क की है, खिड़किया तहसील होने के बाद भी वहाँ डायवर्सन शुल्क महानगरों से ज्यादा लग रहा है, मतलब खिड़किया की प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी नहीं है, मगर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रीम बजट से खिड़किया शहर में लग रहा है, सबसे बड़ी समस्या खिड़किया डायवर्सन शुल्क की है। अजीब बात है, इतना समृद्ध ये जिला है, उसके बावजूद छोटी छोटी मांगे जिले की पूरी नहीं हो रही है, भोपाल बैठी सरकार के आप लोगों की सुनती नहीं है? राजीव गांधी बोलते थे कि मैं 90 पैसे भेजता हूँ, वो सत्ता के दलाल पैसे खा जाते। तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए सर, शब्दों पर नियंत्रण रखिए। सत्ता के दलाल कांग्रेस के थे राजीव गांधी जी बोलते थे मैं 90 पैसे देखता हूँ और 1-10 पैसे ना पूछता है, तो सत्ता के दलाल कांग्रेस के थे। हरदा बहुत सम्मानजनक जिला है, अपने जिले की बदनामी मत कीजिए। बोलिए। शर्मा जी ने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला कि 1 रुपए आते हैं तो 15। मैं आपको बता देता हूँ, जब दिग्विजय सिंह जी थे 23,687 करोड़ इस मध्य प्रदेश पे था, आज ऑथेंटिक रिपोर्ट है 1,67,00,000 रुपए। अगर उधार को लेके घी पीने की कहानी है, 1 रुपए नहीं आता, 1 रुपए के चक्कर में 5 रुपए की लोगों की योजना रखने के लिए जैसा आपने स्टेज लगाया ना, वैसा स्टेज लगा के दी जाती है इस बिल में। कौन करता है ये? कौन करता है? सरकार कर। दूसरी बात, आपने अवैध खनन का मामला बोला, लॉ एंड ऑर्डर, अगर 800 डंपर रोड से चल रहे हैं। देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा चुनावी शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री में एमपी के दौरे में है, हरदा में आ गए हैं हम, यहाँ की समस्याओं की हम करेंगे बात, लेकिन समस्याएं क्योंकि हमने कांग्रेस पार्टी की आपको दिखाई कि देखिए टिकट को लेकर कितनी माथापच्ची है, माथापच्ची बीजेपी में भी कम नहीं है, अगर नहीं होती तो अब तक टिकटों का ऐलान हो गया होता। अब दिक्कत यह है कि शिवराज सरकार के मंत्रियों को भी डर है कि टिकट बचेगा कि कट जाएगा। वित्त मंत्री ने बाकायदा जब जाहिर कर दी अपनी तकलीफ,
सुनिए क्या कह रहे हैं शिवराज सरकार के वित्त मंत्री। अगर मुझे पार्टी ने टिकट दी और मैं लड़ा तो मैं अगले 5 वर्ष भी विकास के कार्य करूंगा और सामाजिक सरोकार के काम करूंगा। ये बयान है मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जयंत मलैया का, जिन्हें इस बार अब अपना टिकट सुरक्षित नहीं दिख रहा। दमोह में जयंत मलैया ने सीएम शिवराज सिंह को बुलाकर रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन इसी मंच से उनका दर्द छलका और टिकट कटने की पीड़ा उनके चेहरे पर साफ दिखाई दी। अगर मुझे पार्टी ने टिकट दी और मैं लड़ा तो मैं अगले 5 वर्ष भी विकास के कार्य करूंगा और सामाजिक सरोकार के काम करूंगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है ना कि हमारी कोशिश हो कि कोई गरीब के आंखों में आंसू ना हो, और अगर आंसू हो तो उन्हें पहुंचा जाए, यही प्रयास मेरा रहेगा। जयंत मलैया के इस सार्वजनिक बयान ने उस चर्चा को और हवा दे दी जिसके तहत एमपी में 11 मंत्रियों और 60 मौजूदा विधायकों के टिकट कटने की खबर है। पूर्व सीएम बाबूलाल गौर, पूर्व मंत्री सरताज सिंह की तरह जयंत मलैया पर उम्र की वजह से टिकट कटने की तलवार लटक रही है। हालांकि शिवराज सिंह नेताओं को टेंशन फ्री रहने की नसीहत दे रहे हैं। ये अपनी बाल्टी है कि टिकट वितरण की बैठक हो रही है और मैं आज जन आशीर्वाद यात्रा में जनता के बीच घूम रहा हूँ, अपन जनता का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जयंत मलैया के बयान से कांग्रेस को एक बार फिर बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 15 साल कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए उनकी पीड़ा जायज है। खुद नहीं चाहते कि वो चुनाव लड़ें, उनके चेहरे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि उनने कुछ कार्य ऐसा किया नहीं है कि वो जनता के सामने अपना पक्ष रख सकें। उनके भाषण से ये चीज़ साथ स्पष्ट हो रही है कि वो निराश हैं और जनता उनको इस बार सबक सिखाएगी। आने वाले समय में निश्चित ही उन्हें समझ में आ रहा है कि दमों से भाजपा हार रही है। एक जिम्मेदार और कद्दावर मंत्री का सार्वजनिक मंच पर सीएम की मौजूदगी में दिया बयान कई इशारे कर रहा है कि इस बार उम्मीदवारों के नाम का ऐलान लोगों को चौंका सकता है। दमोह से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट। 11 दिसंबर सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। तो हम लगातार बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की। अब चुनाव को देखिए, उल्टी गिनती लगभग शुरू होने को है, तो शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में गए, पहले दिन की यात्रा ही विवादों में घिर गई। देखिए जरा सामने थी सैकड़ों समर्थकों की भीड़ जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुटाई थी, लेकिन इस भीड़ को जुटाने के लिए पार्टी नेताओं पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। भारत सरकार की अनंत योजनाओं का लाभ जो देश की जनता हो रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो आप भीड़ में बैठी इन महिलाओं को देखकर समझ जाएंगे। ये सारी महिलाएं एक जैसी साड़ी पहने दिख रही हैं और आरोप है कि महिलाओं को साड़ियां बीजेपी नेताओं ने ही बांटी हैं। सुल्तानपुर के बीजेपी पार्षद पर साड़ी बांटने का आरोप है, वो भी शिवराज की सभा में आने की शर्त पर। तो सब लोग एक सी साड़ी पहन के आए जी। कौन ने दी थी साड़ी? ये कौन बताई? यहीं पे बैठी थी, घर घर दी पार्षद गुड्डू ने। कल रात में सुबह आज क्या बोले? कहले वो साड़ी पहन के चलना। विवाद सिर्फ साड़ियों का लालच देने भर तक का नहीं है, बल्कि आरोप है कि जिस जगह शिवराज सिंह चौहान की जनसभा का आयोजन कराया गया उसमें भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की है। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह महिलाओं को घर घर जाके साड़ियाँ दी हैं, तो सब एक ही साड़ी में हैं, आप लोग देख सकते हैं, सारे लोग एक ही साड़ी में हैं, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है। दूसरा, स्कूल परिसर में कार्यक्रम हो रहा है, ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है। हालांकि आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों से बेपरवाह शिवराज सिंह चौहान जनसभा में राहुल गांधी पर चुटकी लेने से नहीं चूके। राहुल बाबा आ गए, उनको हम तो हम हमारा बेटा भी याद आ गया। उल जरूर आरोप, झूठे आरोप, पता नहीं पनामा क्या, मुझे तो पता ही नहीं, शायद मामा की जगह पनामा बोल गए। रायसेन से विजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। 11 दिसंबर सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान पर पहले ही दिन लग गया आचार संहिता का आरोप। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलों की बात अगर हम करें तो कंप्यूटर बाबा का जिक्र तो करना पड़ेगा। कंप्यूटर बाबा
अलग अलग शहरों में जाकर संतों के साथ बैठकर समागम कर रहे हैं और शिवराज सरकार पर तीखा हमला बोल रहे हैं। लेकिन देखिए उनके साथ क्या हो गया, अखाड़ा परिषद ने उनको उनके ही अखाड़े से बाहर कर दिया है। लेकिन इसके लिए भी महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं कि शिवराज सरकार ने ये सब कराया। शिवराज को हराने की कसम खा चुके कंप्यूटर बाबा को संत समाज ने ही बड़ा झटका दिया। बाबा जिस अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, उस अखाड़े से ही उन्हें बाहर कर दिया। आए पेपर के द्वारा, मीडिया के द्वारा, मंडलेश्वर और संतों के द्वारा हमको एक सूचना मिलती थी कि मध्य प्रदेश में महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जो है, जो दिगंबर अखाड़े से हमारे महामंडलेश्वर हैं, वो देते हैं कि सभी अखाड़े हमारे साथ हैं। उन्होंने अखाड़ों से ना कोई संपर्क किया, ना अध्यक्ष जी से, मैं स्वयं सचिव हूँ अखिल भारतीय श्री पंत दिगंबर इन अखाड़े का, उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया है और अखाड़े की मान मर्यादा का हनन हो रहा था। इसलिए हमने एक बैठक करके महामंडलेश्वर कंप्यूटर नामदेव दास उर्फ कंप्यूटर बाबा को हमने दिगंबर अखाड़े से उसको निष्कासित किया और आगामी कुंभ 2019 हमारा इलाहाबाद प्रयाग में होने जा रहा है, वहाँ भी हम उनको प्रवेश नहीं देंगे। उज्जैन में सभी अखाड़ों के साधु संतों ने एक बड़ी बैठक कर कंप्यूटर बाबा के खिलाफ ये फैसला सुनाया और साथ ही इलाहाबाद में होने वाले कुंभ में भी उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इस फैसले के बाद कंप्यूटर बाबा भी भड़क गए हैं। इसे शिवराज सरकार के दबाव में लिया गया फैसला बता रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी ने शिवराज सरकार, भ्रष्ट सरकार, बीजेपी सरकार को बचाने के लिए स्थापना नहीं की थी अखाड़ा परिषद को, अखाड़ा परिषद को स्थापना की थी धर्म को बचाने के लिए। शिवराज की कैबिनेट से इस्तीफे के बाद कंप्यूटर बाबा लगातार शिवराज पर राजनीति का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब बाबा पर ही निजी स्वार्थ के चलते राजनीति के आरोप लगाए जा रहे हैं। पंच दिगंबर अणि अखाड़ा कंप्यूटर बाबा को एक संत का धर्म समझा रहा है। नामदेव दास उर्फ कंप्यूटर बाबा अपने निजी स्वार्थ बस तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, ये साधु के लिए शोभामान नहीं है। महाराज जी, क्या लगता है जो जिस तरीके से लगातार संत राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे, तो इस कड़े निर्णय के बाद संत राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे? संत का काम है दिशा निर्देश देना, जो अखिल भारतीय श्री पंत दिगंबर अणि अखाड़ा उस व्यवस्था को मानता है। संत का काम है दिशा निर्देश देना, राजनीति करना संत का काम नहीं। मंगलवार को ही 13 अखाड़ों के संतों ने बैठक कर ग्वालियर में शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया, जिसकी अगुवाई कंप्यूटर बाबा ने ही की थी और अब बाबा पर ही गाज गिर गई। जाहिर है एमपी में चुनावी घमासान के बीच साधु संतों की भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अखाड़े के ताजा फैसले से जरूर शिवराज सरकार को थोड़ी राहत मिल सकती है। उज्जैन से संवाददाता विक्रम सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा चुनावी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जहां एमपी के हरदा में मौजूद हैं हम। और यकीन मानिए, जहां नजर दौड़ाएंगे केवल हरदा की जनता यहां पर मौजूद होगी। महिलाएं आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, जागरूक नागरिक आए हैं, नौजवान आए हैं अपने अपने सवालों के साथ। देखिए मंच में सियासतदान भी आ गए अपने अपने जवाबों के साथ। लेकिन हम यहां क्यों हैं और क्यों ये विधानसभा क्षेत्र भोपाल की राजनीति में अपना असर दिखाता है, पहले ये समझिए हरदा का महत्व। मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों के मुकाबले हरदा भले ही विशाल नहीं, लेकिन इस जिले की मिसाल दी जाती है। यहाँ के गीतों में जिले की संस्कृति और समरसता का भाव है और लोगों के बीच बापू के संदेश का सद्भाव। कई कद्दावर मंत्रियों का गढ़ रह चुका हरदा का सियासी समर्थन बीजेपी और कांग्रेस के बीच आधा आधा बंटा है। हरदा जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं। हरदा शहर से कांग्रेस के आर.के. दोगुने विधायक हैं, तो वहीं टिमरनी सीट से बीजेपी मंत्री विजय शाह के छोटे भाई संजय शाह विधायक हैं। जिला बैतूल संसदीय क्षेत्र में आता है। जिले की ज्यादातर आबादी खेतीहर है और गेहूं के बंपर उत्पादन में हरदा हमेशा से आगे रहा है, लेकिन कृषि आधारित इस जिले की अपनी कई समस्याएं भी हैं, जिनका समाधान अब तक नहीं निकला। जिला भले ही खेती में आगे है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि खाद बीज समय पर नहीं मिलता। सिंचाई की खराब व्यवस्था भी खेती को प्रभावित करती है, साथ ही रेत का अवैध खनन भी एक मुद्दा है। बहरहाल बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से भी लोग दो चार होते हैं। यहाँ पर रोजगारों को, मतलब बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। हरदा हॉस्पिटल में पानी की इतनी समस्या है और इतनी गंदगी रहती है, इतनी बदबू आती है कि मैं बता नहीं सकता भाई साहब। यहाँ पर क्या है कि एक ही कॉलेज है, गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स,
जिससे उनको बहुत परेशानी होती है। ट्रैफिक की व्यवस्था फिलहाल यहाँ हरदा में यातायात बहुत तो विकास की गाड़ी पर बुनियादी सुविधाएं आज भी जिले की दहलीज तक ठीक से नहीं पहुंची और जो सरकारी सुविधाएं मौजूद हैं वो भी खस्ता हाल है। और इन सब के बीच अब आखिरी फैसला हरदा के मतदाताओं को करना है कि आखिर कौन बनेगा उनका मुख्यमंत्री। 11 दिसंबर सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। चलिए बिना वक्त गवाए सीधे हरदा की जनता से आप जुड़ जाते हैं क्योंकि बहुत देर से हरदा की जनता इंतजार कर रही है। आप खड़े हुई है, लाइट की एक बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, किसान लाइट नहीं ले पाते जबकि एमपी में बिजली की दिक्कत नहीं है अमूमन, लेकिन ये इतना समृद्ध जिला है, यहाँ पर बिजली क्यों नहीं आती? सर टाइम नहीं है प्लीज बोलिए। 24 घंटे लाइट देने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने, लेकिन अभी किसान सिंचाई का वक्त है और वो लगातार बिजली की समस्या परेशान है और मनमाने बिल लिए जा रहे हैं। अभी चुनाव को देख के इन्होंने गरीबों के बिल माफ कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में फिर इनको भारी भरकम बिल ये लोगों को देंगे और लोगों को और किसानों को इन्होंने बिजली बिल के नाम पे जेल तक भेजा है। आप फोन पर कुछ दिखा रहे थे अवैध खनन को लेकर। दरअसल अवैध खनन को लेकर यहाँ बहुत शिकायत है, कहा जाता है कि नर्मदा में अवैध उत्खनन यहाँ पर होता है, ये क्या है? कल की फोटो है, ये देखो आप, ये देखिए ना आप, ये हजारों ट्रक खड़े हैं, ट्रैक्टर खड़े हैं और एक बीजेपी का एजेंट वहाँ बैठा है, रेत सप्लाई कर रहा है। नाम लीजिए। अब उनके हर घाट पे बैठे हैं, जबलपुर से लेके हजारों घाट है। पैसा कहाँ जाता है अवैध उत्खनन का? पैसा कहाँ जाता है अवैध उत्खनन का? पूरा पार्टी को जाता है और उसी बल पे तो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनकी उपलब्धि क्या है? सिर्फ पैसे के बल पे लड़ना चाहते हैं। अवैध उत्खनन को लेकर क्या शिकायत? अवैध खनन पे आपको मालूम है हरदा के भाजपा नेता ने शिवराज सिंह पर आरोप लगाया था, अवैध खनन को लेकर हरदा के भाजपा नेता ने शिवराज सिंह पर आरोप लगाया था जो पूरे इंडिया में समाचारों पर चला था। तो मामा जी अवैध खनन करा रहे हैं क्या? खड़े हुई है महिलाएं, खड़ी हुई है महिलाएं, जागरूक होती है, ज्यादा पढ़ती लिखती है। बताइए अवैध खनन को लेकर शिकायत है आपके इलाके में? यस मैम है, अपने यहाँ पे इलाके में शिकायत है, बट मेरे हिसाब से हमको नहीं वो करना चाहिए उसको। एक तो हम उनकी पूजा करते हैं नदी की, वो जितना डीप होता जाता है उतना वो खराब होता जाता है, ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी है। ठीक है, माँ नर्मदा की बातें होती हैं लेकिन देखिए कितनी शिकायतें, मंत्री जी के भाई यहाँ से आते हैं, अवैध उत्खनन की शिकायतें और बहुत सीरियस शिकायतें हैं, सच्ची शिकायतें लगती हैं। देखिए अवैध खनन नर्मदा जी में भी और नदियों में रेत का ठेका दिया गया था, ठेकेदार और वो मिलकर करते थे गड़बड़, उसकी हमने शिकायत की और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून में परिवर्तन किया और पूरी तरह से मशीनों पर खनाई पर रोक लगा दी और तब से खनन पर रोक है और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। खड़े हुए सर बोलिए, माइक छोड़िए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो कांग्रेसी बंधु बैठे हैं मैं उनसे पूछूंगा कि जोगा से लगाकर और अपने इस छिपानेर घाट पर धार तक कितने कांग्रेसी हैं जिनके डंपर चलते हैं। दूसरी बात यह है, इस जिले में 128 डंपर है, उसमें से 88 डंपर कांग्रेसियों के हैं। अच्छा ठीक है तो क्या ये है, एक मिनट तो क्या, खड़े हुई है अवैध खनन को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक है, अंदर खाने सब एक है क्या? नहीं बिल्कुल एक नहीं है। अवैध उत्खनन को लेकर बीजेपी के यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने शिवराज सिंह पे आरोप लगाया था और एनडीटी ने उनके ऊपर केस भी दायर किया है। आपके इलाके में अवैध खनन होता है? बिल्कुल चल रहा है और बीजेपी के नेताओं के द्वारा अवैध उत्खनन। कौन करा रहा है अवैध खनन? भाजपा के संरक्षण में चल रहा है अवैध उत्खनन। चलिए बहुत सारे सवाल हैं, बिजली नहीं मिलती यहाँ पर, जो भाजपा के विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं बड़े बड़े, उनके संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, पर उनका तारुफ हम करवा देते हैं आपको। सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं और आर के डोंगरे जी हमारे साथ बने हुए हैं और सिटिंग एमएलए हैं, इसीलिए खास तौर पर इनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जैन साहब ये क्या हो रहा है, मंत्री जी के भाई यहाँ से विधायक हैं, अवैध उत्खनन की इतनी शिकायतें हैं, सब झूठ थोड़ी बोल रहे हैं? नहीं बिल्कुल ये झूठ है, उत्खनन होता था लेकिन वर्तमान में उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है रॉयल्टी के माध्यम से। आप लोग अवैध उत्खनन पर जो बोल रहे हैं क्या वो झूठ है?
आप लोग तो जनता को झूठ झूठ बोल बता रहे। ये अवैध उत्खनन वाली टीम के सदस्य हैं, इनके ट्रैक्टर और डंपर चलते हैं, मैं जानता हूँ इनको। हमारे विधायक जी का जो स्कूल बना है वो भी अवैध उत्खनन से इन्होंने बनाया, बजरी भर करके, बगैर अनुमति के इनका स्कूल बना है, बगैर अनुमति के इन्होंने अपनी मुरुम डाली है। आप तो सिटिंग MLA हैं, यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं, इतनी शिकायतें आप लोग सुन नहीं रहे अपनी लोगों की? बिल्कुल, अवैध उत्खनन के लिए मैंने डंपर भी रोके हैं, गाड़ियां भी रोकी, पकड़ाया भी, कलेक्टर से केस बनाया। और आपको एक बड़ा बताना चाहता हूँ, रुका नहीं ना अवैध उत्खनन, अभी भी हो रहा है ना, ये सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। और हमारे यहाँ पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रहे, उनके द्वारा भी NGT में केस लगाया गया, उनने भी लगाया, भारतीय जनता। आप लोगों को सुनने का फायदा क्या, जब आप लोग अवैध उत्खनन नहीं रोक पा रहे तो सरकार कहकर काम नहीं चलेगा। ठीक है, बोलिए मैडम। भाजपा सरकार के जब कमल जी पटेल मंत्री थे, जब उनकी नहीं सुनी तो हमारी क्या सुनेगी जनता की सरकार? ये कैसी सरकार है जहां मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है? भाजपा के पूर्व मंत्री ने बताया था कि यहां कांग्रेसी भाई भी उत्खनन कर रहे हैं, और ये पहला मुद्दा है जो पक्ष में होके विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी ने उठाया था, नहीं तो कांग्रेस के कोई विधायक ने उठाया हो इतने बड़े लेवल पे तो मुझे बताए, पूरा मध्य प्रदेश में, मतलब सब एक है, लोग ये कह रहे हैं अंदर खाने सब एक है। देखिए, रेत बहुत जरूरी चीज है, रेत के बिना नहीं कोई काम होता। हम अवैध उत्खनन के खिलाफ, रेत के खिलाफ नहीं है, हम भी अवैध पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आप जाके देखो ना कहीं अवैध हो रहा हो तो, हो रहा है तो रोका उसको, ये भी सरकार का काम है। तो अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है, चलिए अवैध बार बार बात नहीं होगी, अवैध उत्खनन पर बात होगी, लेकिन मैं बार बार चाहती हूँ कि महिलाओं पर हम बात करें। और देखिए, महिलाएं हमारे साथ बहुत कम जुड़ पाती हैं, यहाँ पर बिजली की बहुत शिकायत है, इतना समृद्ध जिला है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं है, गाँव में बहुत बिजली की दिक्कत जाती है। क्या दिक्कत? गांव में 2-3 घंटे के लिए ही बिजली दी जाती है। और मैं विधायक जी से पूछना चाहती हूँ कि हरदा के घंटाघर क्षेत्र में, देखिए यहाँ से 18 किलोमीटर दूर बागरूल गांव है, जिसमें मात्र 8 घंटे बिजली, आज भी अभी फोन आया मेरे पास कि मात्र 8 घंटे बिजली दी जा रही है, 9 मिनट में भी बिजली नहीं है, बिजली आ रही है, बच्चे पढ़ पाते घर में। टेमरा गांव से मुझे फोन आया, गीता पांडे जी, हमारे गांव में बिजली नहीं, हमको पढ़ाई की तकलीफ हो रही, बच्चे पढ़ पाते, बिजली आ रही है क्या? बताइए खड़े होइए, बताइए। हाँ, गांव में थोड़ी समस्या है बिजली की, बस शहरों में तो बिजली है, शहरों में बिजली तो, गांव में लोग नहीं रहते हैं क्या? अपने डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बिजली की समस्या है। अटल ज्योति का वादा करने वाले नेता न जाने कहाँ गए, उनके बिल्डिंग में लाइट चमक रहे और हमारे यहाँ दिए टिमटिमा रहे हैं। क्या बात है, मतलब नेताजी की बिल्डिंग में लाइट चमक रही है, खड़ी हुई है और आम जनता के घर अंधेरे में। मैडम, कांग्रेस के शासन से ज्यादा अच्छी तरीके से, अरे वो कांग्रेस से है क्या? वो कांग्रेस से आप हद कर रहे हैं आप लोग। यहाँ कहने से कुछ नहीं, गाँव में जाकर देखिए, इनकी खुद की लाइन है, इनके खुद के खेतों में मोटर चल रही है। 15 साल पहले बिजली आती ही नहीं थी। आप एक बात बताइए, 15 साल के बाद भी आप 15 साल पहले बोलते रहेंगे? आप लोगों का मुकाबला आप लोगों से है। नहीं, आज बिजली हरदा शहर में, ये जितने लोग खड़े हुए हैं पूछ लें, ये केवल राजनीतिक व्यवस्था के कारण बोल रहे हैं कि बिजली नहीं आती है। ये महिलाएं राजनीतिक। अच्छा, आप लोग दुर्गा अष्टमी, सप्तमी, नवरात्रि, ईद, इन त्योहारों पे हमारे हरदा डिस्ट्रिक्ट में बिजली नहीं थी। गांव में कौन जाएगा, गांव में कहा बिजली नहीं है, उनकी कौन सुनेगा? बिजली आती, खड़े हुई है, आप लोग युवा वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर, खड़े हुई है, बिजली आती है गांव में? नहीं, बिजली नहीं आती। ये फर्स्ट, बोलिए बोलिए। बिजली की बहुत समस्या है, जो दूरस्थ गांव है, जो बस्तियों में है, उनमें बिल्कुल बिजली की समस्या बहुत ज्यादा है। आगे आइए, बिजली आती है, आइए आइए। टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये समस्या आती है, बिजली पर्याप्त मिल रही है पर्याप्त गांवों में, टेक्निकल फॉल्ट जो रहता है, DP उड़ जाती है, ओवरलोड हो जाता है, उससे समस्या आती है, वैसे समस्या नहीं है ये किसी प्रकार की। 24 घंटे लाइट आती है, झूठ बोला जा रहा है 24 घंटे। अजीब सी बात है, ये महिलाएं झूठ बोल रही है क्या? महिलाएं झूठ बोल रही है, अजीब सी बात है। ठीक है, खड़े हुए। बिजली की समस्या है मैडम, बहुत है हमारे दिग्विजय, पूरे MP में कहीं नहीं है, यहाँ क्यों बिजली की समस्या? सबसे बड़ी समस्या है हरदा जिले में, किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं दी जा रही है, किसानों साथ छलावा किया जा रहा है। कांग्रेस दिग्विजय सिंह गवर्नमेंट ने पूरा किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर, गरीबों की एक सिंगल बच्चे कनेक्ट की। आप दिग्विजय सिंह का नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा नाम मत लीजिए, वोट कट जाएंगे, अब मत लीजिए उनका नाम, वोट काट रहे हैं आप पार्टी के। किसानों का शोषण किया जा रहा है,
मंडी में पेमेंट नहीं मिल रहा किसानों को, जब मंडी एक से और इसके बाद में बिजली वाली समस्या जो है किसान को अभी जब पलावा की आवश्यकता है तब इन्होंने 6-8 घंटे बिजली की कटौती की और बिल के लिए 100 कमेटी गठन की गई, जब बिजली की तो बिल कहाँ से लेंगे? ठीक है, बोले 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 किसानों की समस्या पे बोले बोले। देखो मैं किसान हूँ और बिजली की समस्या इतनी है, अभी तक किसानों का पलावा नहीं हो पाया है और नवंबर का महीना आ रहा है, ये किस गांव देहात और शहर की बात कहते हैं, देहातों की कितनी किसान में तकलीफ आ रही बिजली की, जिसका हर दिन 8 घंटे भी सब मिलती है। किसान है, बिजली की बात आपने की, मुझे बताइए डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके अलावा जीएसटी को लेकर ट्रांसपोर्टर्स को दिक्कत हुई, यहाँ पर सिंचाई की दिक्कत है, खाद नहीं मिल रही है, किसानों को लेकर समस्याओं पर। जीएसटी से यहाँ पे किसानों का माल नहीं खरीदा जाता, पिछले साल किसानों को जब जीएसटी लगी थी जब एकदम से भाव गिर गए थे, किसानों को बहुत बड़ा घाटा हुआ, उसमें किसानों को नकदी पैसा देना जीएसटी के बाद बंद कर दिया। मेरी बात सुनो, मैं किसान हूँ भागीरथ ग्राम अब गाँव कला से, मेरी बात सुनिए, ये जो शिवराज मामा कह रहे हैं ना 0% ब्याज, जब किसान को आप खाद नहीं दे रहे, किसानों को नकद राशि दी जाती थी वो दे नहीं रहे हैं, तो कहाँ जीरो है क्या? और जो जो नहीं वो तो खुद जीरो है और कुछ दिया ही नहीं तो जीरो ही है ना, जीरो, डबल जीरो, डबल जीरो, डबल जीरो। बोलिए बोलिए किसानों पर, बोलिए किसानों पर, बोलिए। एमपी का सबसे बड़ा फीटर है नांद्रा, और नांद्रा में 1 घंटे से ज्यादा कम से कम 1 घंटा बिजली कटौती रहती है, 1 घंटा आती है 1 घंटा बिजली रहती है, ये कैसी मध्य प्रदेश सरकार है? बात हो गई आपसे, बात हो गई आपसे। किसानों की समस्याओं को लेकर हमने जो जानकारी पिछले सदन जो विधानसभा का लगा था उससे पूरी निकाली थी, सबसे अधिक 6 प्रश्न कृषि को लेकर शैलेंद्र वर्मा विधायक जो हैं इछावर के, उनने उठाए थे। हमारे अर्धा में 2 विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक जो श्री संजय शाह ने एक भी सवाल कृषि को लेकर नहीं उठाया, और एक विधायक हमारे जो विपक्ष के हैं श्री दोगने जी, उन्होंने मात्र 1 सवाल कृषि को लेकर उठाया। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष को तो खैर किसानों की समस्याएं नजर नहीं आती, आपके हिसाब से भी क्या किसानों की कोई समस्याएं नहीं थी जो आपने कोई सवाल खड़े नहीं किए विधानसभा में किसानों के लिए? बहुत बुनियादी सवाल, एक मिनट में फटाफट से चली आती हूँ। देखिए आप मजबूत विपक्ष के बिना लोकतंत्र की आत्मा ही नहीं है, आप यहाँ मौजूदा विधायक है और आगे भी उम्मीद लगाए बैठे पार्टी से, उम्मीद लगाए बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो उम्मीद नहीं पूरी होगी। कुमकुम जी आपकी बात का समर्थन करता हूँ, उम्मीद है और मैं जीतूंगा, और मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई साहब को कि मेरे कम से कम मेरे पास आके देख ले 80 क्वेश्चन किसानों के लगे, 80 क्वेश्चन। आंसर कहाँ है? आंसर ही आया मेरे, देखिए बीमा के लिए क्वेश्चन लगा, सरकार का बहुमत रहता है, सरकार पास करती, सरकार काम करती है, एक सिंगल विधायक काम नहीं करता। फिर एक बात बताइए, तो शिवराज को कहते कड़ी से कड़ी जोड़ दो, विधायक मेरा, सांसद मेरा, सरकार मेरी, ठीक है फिर? वो जब सांसद अगर उनके पास ज्यादा होंगे, विधायक उनके पास ज्यादा होंगे, तो अभी जैसे पास किया उन्होंने संविधान में जो बिल पास किया, इस तरह से बिल अध्यादेश ले आएंगे, कुछ भी करेंगे, वो तो अगर उनको पास अगर संविधान में अगर पावर है तो वो पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। चलिए चलिए मंच के नीचे चलते हैं, दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उद्योग को लेकर बात करते हैं। मैं चाहती हूँ उद्योग को लेकर आप बात करें, आप यहाँ पर व्यापारी हैं, उद्योग कर रहे हैं, करीब से उद्योग को देखते हैं, यहाँ पर बिजली की शिकायत है, रोड अच्छी है, समृद्ध जिला है, क्यों उद्योग नहीं आ पाता यहाँ? देखिए जहाँ तक उद्योगों का सवाल है, हरदा की जिस तरह पॉपुलेशन है उस हिसाब से यहाँ उद्योग सफिशियंट आते हैं, पर मेरा एक बहुत ज्वलंत मामला है कि आज कांग्रेस के 10 वर्ष हमको स्वर्णिम कालकार के रूप में जो मुख्यमंत्री मिले दिग्विजय सिंह जी, क्या कारण है कि कांग्रेस आज उनका नाम तक नहीं ले रही है, ना अपने साथ रख रही है, ना अपने साथ रख रही है, किसी प्रकार के विज्ञापन में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, यहाँ तक कि राहुल गांधी के दौरों में भी उनको साथ नहीं रखा, क्या कांग्रेस ने मान लिया है कि 10 साल जो मुख्यमंत्री रहा है वो हमारे लिए मिस्टर बंटा ढार है? ठीक है ठीक है, आम आदमी पार्टी से भी साथ ही है, आम आदमी पार्टी से भी साथ है, यहाँ कांग्रेस बीजेपी के बीच का कोई विकल्प है आपको लगता है? बिल्कुल विकल्प है, ये दोनों एक्सपायर डेट की दवाई जैसी है जो जनता को इलाज करने के लिए घूम रही है, एक्सपायर हो चुकी। मैं आपको बताऊं कि अगर सब कुछ विकास हुआ है, कांग्रेस ने भी किया है, बीजेपी ने भी किया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सीने में जलन, आंखों में एक तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? बताइए इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? उद्योग है, उद्योग है, आइए आइए आगे आइए आगे आगे सर आइए, उद्योग को लेकर। मैडम यहाँ उद्योग की बात तो दूर, यहाँ लॉ कॉलेज खुला नहीं, उसके बाद भी भाजपा के महामंत्री यहाँ जनभागीदारी के अध्यक्ष, जो कॉलेज नहीं है उसका जनभागीदारी का अध्यक्ष, ये कैसे होते हैं? ये बीजेपी के नेता हमें बताए। ठीक है, उद्योग नौकरी पे कोई
जी हम यंगस्टर्स हैंगे, हमें तो अभी फर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है नौकरियों की। आप फर्स्ट टाइम वोटर है? जी हाँ फर्स्ट टाइम वोटर है, और अभी हमको चॉइस करने में बहुत दिक्कत आ रही है कि हम किसे वोट देंगे। दोनों में से कोई भी पसंद नहीं आ रहा? हम तो नोटा पे वोट देना प्रेफर करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है ज्यादा नोटा का इस्तेमाल। ठीक है बोलिए। मैडम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि इस बार सरकारी कर्मचारियों को 60 से 62 आयु कर दी जाएगी। मेरे पिताजी यहाँ पे बैठे हैं, 60 वर्ष में रिटायर कर दिया गया उनका, ये लेटर उनका सामने है, ये लेटर उनके सामने है, ये रिटायरमेंट लेटर है। तो ये योजना एक सुजीत, मेरे कैमरा पर्सन सुजीत जी मैं कहूंगी आप इनको दिखाए ये लेटर। हाँ बताइए क्या है ये? इस लेटर में जो है 60 वर्ष की आयु में मेरे पिताजी को रिटायर कर दिया, ये यहाँ पे खड़े हैं सरकारी एम्प्लॉय यहाँ पे। तो ये योजना जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि सारे एम्प्लॉय को जो 60 से 62 किया जाएगा वो 60 पे रिटायर कर दिए जा रहे हैं, ये एकदम गलत साबित हुई है ये वाली चीज। पूरा लफाजी काम हो रहा है बीजेपी सरकार में, टोटल लफाजी काम हो रहा है, झटकेबाजी हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बिल्कुल लालीपॉप सबको दे रहे हैं, हैं? और सबको मेरा एक प्रश्न है दोगने जी से कि जो होता है वो आप करते हैं, जो नहीं होता वो सरकार नहीं करने देती, तो ये मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूतू वाली पॉलिसी कब तक चलेगी? नहीं चलेगा ये। और अगर ऐसे ही चलता रहा, और अगले अगर ऐसे ही चलता रहा फिर आपको वोट क्यों दे? फिर तो अच्छा बीजेपी का विधायक बिठा दे। वैसे इनको देखिए बड़ी अच्छी हेयर स्टाइल वैसे आपकी है, बता दूँ, और मूछें ही बहुत अच्छी हैं। अब बताइए आपकी शिकायत क्या है? मैम मेरी दोनों पार्टी के नेताओं से मेरा सवाल है, सबसे पहले मेरा सवाल है माननीय कांग्रेस के जो विधायक है उनसे मेरा सवाल है कि दोनों पार्टी ने कितना काम किया पब्लिक बहुत अच्छे से जानती है। मैं पूछना चाहता हूँ दोगने जी से और पूछूंगा माननीय कमल पटेल जी। पूछ लीजिए सर, टाइम ना हूँ मैम कि सहयोग, ये किसानों की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, तो मुझे बताएं कि 1 करोड़ जो लफड़ा हुआ है सहयोग डेयरी का वो पेमेंट नहीं मिला है, उसके लिए कितने बार इन मतलब कहाँ हुआ है अप्लाई? यहाँ हुआ है, हरदा में हुआ है। कितने का? कम से कम 1 करोड़ रुपए का। किसने किया? सहयोग डेयरी के जो ओनर है। किसने किया घोटाला? पार्टी धार ने, उनके लिए कितने बार ये धरने पे बैठे मैं पूछना चाहता हूँ। अरे बताए बीजेपी वाले घोटाले हो रहे हैं। ठीक है मंत्री, ठीक है पूछा इस इस पे क्यों नहीं बैठे हैं? एक बार बताइए इस इलाके से विधायक के मंत्री जी के भाई आते हैं? मंत्री जी के भाई आते नहीं आते? इन दो सीटों में से एक विधायक जो है वो मंत्री जी के भाई हैं? नहीं है, जानकारी नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की नीति है, झूठ बोलो जोर से बोलो और जल्दी जल्दी बोलो। हरदा जिले में विधायक मंत्री जी के भाई है संजय। सही बात है, आप लोगों को अपने इलाके की जानकारी नहीं है, हद हो गई। इस तरह से हर जगह झूठ बोलते हैं। आपको लेकर वो बात ठीक थी वैसे, अच्छा अच्छा मेरा बुरा बुरा इसका। सही बात करता हूँ ना, देखिए मेरा जो काम है विधायक का, जो काम है विधायक का काम मैं कर रहा हूँ और मेरे काम किए हैं, और मेरे किसानों की समस्या की बात कर रहा है, किसानों के लिए लाठी और लंगोटी पहन के विधानसभा में पहुंचा और विधानसभा घेरा हो 200 रुपए। चले नेता की नहीं, नेता की नहीं, एक बात बताइए भोपाल में बैठे शिवराज सिंह चौहान कोई बड़ी बात कह देते हैं, बड़ा ऐलान कर देते हैं, जमीन पर अगर हरदा में वो नहीं पहुंची तो उसका कोई फायदा है क्या? नहीं नहीं, जमीन पर 100% योजनाएं आती हैं, उसका प्रमाण है प्रधानमंत्री आवास के 8147 मकान हरदा नगर में बन रहे हैं, 28,000 मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे हैं, हरदा जिले के अंदर 35,000 उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए हैं। ये योजनाएं हरदा के अंदर धरातल पर आई हैं। यदि किसी कारण से कोई छूट गया है वो हमें सरकार को आवेदन दे, उसकी व्यवस्था की जाएगी। चलिए फटाफट जल्दी से बताइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये उद्योग की बात कर रहे हैं, जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पे रिफाइनरी तय हो गई थी, यहाँ जमीन अलाट हो गई थी, इनसे पूछिए इनके आपसी झगड़े में बिना क्यों गई रिफाइनरी? ये नेताओं ने सरकार बीजेपी की कांग्रेस क्या करने की? अच्छा ठीक है चलिए बताइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बताइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान सिंधिया बनेंगे। आप लोग कह रहे हैं पार्टी तो कह ही नहीं रही है सिंधिया, हम जितने भी कार्यकर्ता है पूरे कार्यकर्ता कह रहे हैं। मेरा एक सवाल है, आगे आइए। सर हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि शिवराज कोर्ट के भी आदेशों को नहीं मान रहे हैं, ना ईएनसी मान रहा है ना पीएस मान रहा है, झुलानिया और सुतलीकर ये कोर्ट के भी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, इसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं कर्मचारियों के बारे में। हेलो मैं विधायक महोदय से मेरा प्रश्न है, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जिस प्रकार से सरकार ने बेरोजगारों को लूटा
लाखों रुपए लाखों युवा लाखों रोजगार बेरोजगारों से फॉर्म भरवाए और उनको एक भी नियुक्ति नहीं दी सरकार ने। सर्वेक्षण सारा सुरंग एमएनएम की मतलब लाखों परीक्षाएं ली, एक व्यक्ति को नियुक्ति नहीं। आखिरी आखिरी कुछ लम्हे मेरे पास है, आखिरी कुछ लम्हे मेरे पास है, खड़े होइए बोलिए। अभी वर्तमान में शिवराज सिंह जी की सरकार चल रही है हरदा में सुल्तानपुर में, इनने उद्योग खोलने का वादा किया था, इनसे पूछो वो कहाँ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उद्योग पर आइए आइए आगे आइए आगे आइए, हाँ आगे आइए सर। हरदा में इंडस्ट्रीज के बारे में इतनी सरकार होगी, इसके बाद इंडस्ट्री का कुछ भी वो नहीं हुआ, कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप नहीं हुई अभी तक, कोई गवर्नमेंट तरफ से आगे कुछ है। चलिए बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, बहुत सारे सवाल हैं। एक समृद्ध जिला जिसको पूरे राज्य में सबसे साफ जिले की ख्याति प्राप्त हो उसके इतने सारे सवाल हैं। एक ऐसा जिला जहाँ किसानों के घर में एसी और गाड़ियां हैं उसकी इतनी शिकायतें हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल है। और इन सवालों के जवाब भोपाल में बैठी सरकार से लेकर केंद्र में बैठी सरकार से ये हरदा के लोग पूछ रहे हैं, तो बताइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आज के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री में मेरे साथ इतना ही, मुझे और मेरे सहयोगी सुजीत को दीजिए इजाजत, कल मिलेंगे खंडवा में और पूछेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।